दिवाली की शॉपिंग करने पानीपत पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। करप्शन को खत्म नहीं किया जा सकता, सीएम के बयान पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल। जेपी दलाल ने सीएम के बयान को बताया सही, बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो महाभारत और रामायण काल में भी चलता था। कृषि मंत्री ने दावा किया कि जितना भ्रष्टाचार खत्म बीजेपी सरकार ने किया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया और लगातार कानून अपना काम कर रहा है। हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार बनाने के दावे पर जेपी दलाल बोले, कांग्रेस कब दावा नहीं करती, वह हर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा करती है, लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग के लिए काम किया है इसलिए जनता उन्हें ही आशीर्वाद देती है। कांग्रेस पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा, कांग्रेस से हम अपनी टक्कर नहीं मानते। SYL के मुद्दे पर भी बोले कृषि मंत्री, बोले भाखड़ा कैनाल का वक्त हो चुका खत्म, अब पैरेलल नहर बनाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है पानी कम या ज्यादा का एक अलग विषय, लेकिन नहर का निर्माण जरूरी। कृषि मंत्री बोले, पंजाब हमारा बड़ा भाई, पंजाब की जनता को पानी देने में नहीं है कोई दिक्कत, लेकिन पंजाब की राजनीतिक पार्टियों कर रही है सियासत। SYL के मुद्दे पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केजरीवाल खुद हरियाणा से है, उन्हें अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव की तैयारी में रहता है। पराली के मुद्दे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में नाम मात्र पराली जलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा अपना ठिकरा हरियाणा राज्य पर फोड़ता है। दिल्ली सरकार दिल्ली में होने वाले कारखानों और वाहनों समेत अनेकों प्रकार के प्रदूषण को नहीं देखती है, बल्कि दिल्ली सरकार हरियाणा के किसानों को बदनाम करने का आसान तरीका जानती है। कांग्रेस मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस के संगठन और गुटबाजी पर भी सावधान निशान बोले, कांग्रेसी आपस में ही लड़ती रहती है। हाँ सर, आज पानीपत आना हुआ, थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताइए, फिर आगे सवाल। आज हमारे जो लोकप्रिय विधायक है प्रमोद जी, इनके कार्यालय पर आकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और थोड़ा बहुत मुझे पानीपत में व्यक्तिगत काम भी था कि दिवाली के उपलक्ष्य में जो हमारे गिफ्ट वगैरह यहाँ से देते हैं, कंबल है, चद्दर है या और कोई चीज़ें हैं, ये देखने के लिए मैं आया, व्यक्तिगत आकर के देख के सिलेक्ट मैं करूँ। और ये कि हर दिवाली पे हम अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की गिफ्ट देते हैं, तो उस संदर्भ में मेरा यह आना हुआ है। सर, SYL को लेकर क्या कहेंगे, जो है पंजाब सरकार भी और हरियाणा सरकार भी लगातार कोशिश कर रही हैं, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्या हरियाणा वासियों को पानी मिल पाएगा? देखिए, दशकों से ये बेवजह से विवादित मामला बना दिया गया है। SYL पर बार बार से ट्रिब्यूनल बनाए, कोर्ट के जरिए हुई, सब ने कहा है कि पानी पर हमारा हक है, और अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पानी का मुद्दा अगर कम ज़्यादा है तो बाद में फैसला किया जा सकता है, नहर का निर्माण जरूर तुरंत शुरू की जाए। और ये सच्चाई है कि जो भाखड़ा कैनाल नहर है इसकी उम्र हो चुकी है, 60-70 साल इसको बने हुए होंगे, और इतने सालों के बाद इसमें अगर कोई संकट आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए, तो पीने का पानी का संकट भी आ जाएगा। तो इसलिए पैरेलल नहर निर्माण करना बहुत ज़रूरी है हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, और यही माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये नहर का निर्माण तुरंत शुरू हो। अब हरियाणा के किसानों को उम्मीद हुई है कि इस नहर का निर्माण होगा, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा न्याय संगत बात कर रहा है, और पंजाब के लोग जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं ये कहते हैं कि एक बूंद भी पानी हमारे को हरियाणा के देने के लिए नहीं है। ये तो एक ऐसी भाषा है जो महाभारत में होता था, जब पांडवों ने मांगा था कि हमें थोड़ा सा 5 गांव ही दे दो, तब उन्होंने कहा था कि सुई की नोक की जितनी ज़मीन भी हम आपको नहीं देंगे। ऐसा हठ धर्मिता का जो मुद्दा बना रखा है उन्होंने, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के लोगों को तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वहाँ के राजनेताओं ने राजनीतिक मुद्दा बना करके ये हमारा हक देने से मना किया है। मैं समझता हूँ कि कानून का शासन है इस देश में, और न्यायपालिका न्याय करेगी, और ये नहर बनेगी, और हमारी जो प्यासी धरती है, किसान जब इंतजार कर रहे हैं और उसको पानी मिलेगा, और मैं समझता हूँ केजरीवाल जी जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको कम से कम अपनी जन्मभूमि के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए कि जिस धरती का नमक उन्होंने खाया है, उनके पूर्वज रहे हैं, उनको प्यासी धरती को ये पानी देने का मुद्दा है, जब उसकी पार्टी के नेता कहें कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, तो ऐसा राजनीति करना उनका बेकार है। सर, चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं?
भारतीय जनता पार्टी हर वक्त के कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक, हर वक्त सेवा भाव में रहते हैं। चुनाव हो या ना हो, हम जनता के बीच में रहते हैं और जो हमें सेवा का मौका मिलता है सब करते रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, बार बार लोग हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। सर, कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और चार चार डिप्टी सीएम भी अनाउंस उन्होंने अभी से कर दिए हैं। नहीं, कांग्रेस ने दावा कब नहीं किया, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे कहीं हरियाणा का चुनाव हो, हमेशा दावा करता रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जनता के लिए नीतियाँ बढ़ा करके हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया, व्यापारी के लिए काम किया, गरीब आदमी के लिए काम किया, और आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, जो नेतृत्व हमारा मोदी जी के रूप में है, सारी दुनिया उसको मान रही है, और जो प्रबंधन किया कोरोना में, वैक्सीन बांट लगाई, अनाज बांटा, तरह तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो भारत का मतदाता बहुत समझदार है और ऐसे मौके को, ऐसे नेतृत्व को वो बार बार मौका देना चाहिए। सर, पराली को लेकर सरकार जो है सख्त दिखाई दे रही, लेकिन बावजूद उसके भी केस लगातार देखने को मिल रहे हैं किसानों द्वारा पराली जलाई। हरियाणा के अंदर नाम मात्र पराली जलाई जाती है। अब आप यहाँ पानीपत में देख लीजिए कि हमारा चारों तरफ धान का इलाका है, हमारे यहाँ प्रदूषण कहाँ है, लेकिन जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली में प्रदूषण होता है तो सारा टीकरा हरियाणा के किसानों के सिर पर फोड़ देते हैं। वो अपना नहीं देखते कि वहाँ पर वायु का प्रदूषण कितना है, डस्ट का प्रदूषण कितना है, और कारखानों का प्रदूषण कितना है, व्हीकल का प्रदूषण कितना है। लेकिन सबसे आसान तरीका समझते हैं कि हरियाणा के किसानों पर दोषारोपण करें, और मैं समझता हूं कि हरियाणा के किसान समझदार हैं। हमने किसानों को समझाने की पूरी पूरी मशीनरी दी है, समझाया है, और बहुत कम घटनाएं जो है पराली जलाने की है। और पराली का हम जो किसानों को उपयुक्त मूल्य भी देना शुरू कर दिया है, पराली के कंजम्पशन के लिए जो है कारखाने में लगाए हैं, तो जब उसको फ़ायदा होगा तो क्यों जलाएगा। सर, सीएम साहब का एक ताज़ा बयान आज देखने को मिला है कि उन्होंने कहा कि करप्शन को जो है खत्म नहीं किया जा सकता, इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो है सरकार ने जो दावा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, ये तो कोई बुरी बात नहीं कि सीएम साहब ने, जो रामायण के ज़माने में भी थोड़ा बहुत तब भी गड़बड़ होती थी, महाभारत के ज़माने में थोड़ा बहुत मानव स्वभाव तब भी होती थी, लेकिन जितना कोशिश हमने की है करप्शन को रोकने के लिए, और कोई भी आदमी हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, तुरंत कार्रवाई होती है, कानून अपना काम करता है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जितना काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। सर, कांग्रेस के संगठन की बात करें या जो है उनमें जो फूट, जो गुटबाजी वो देखने को मिलती है, उसको लेकर क्या आप भी मानते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है? कांग्रेस जो है नीतियों की पार्टी नहीं है, कुछ परिवारों का संगठन है। देश के अंदर बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार हैं, और उनके चहेतों को लाभ देने के लिए ये राजनीति में आए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ अब प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो सब अलग अलग ग्रुपों ने झगड़ा किया, तो चार उन्होंने वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। अब जिलाध्यक्ष बनाने की बात हुई तो हर जगह झगड़े हुए, अब कहते हैं कि कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बना देंगे। फिर नीचे मंडल के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि मंडल में भी छः छः चार चार आठ जितने परिवार होंगे उतने हर घर से एक कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, और अब ये कहते हैं कि इतने ही मुख्यमंत्री बना देंगे। हो सकता है कि इतने ही ये दावा करें कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, इनका मकसद बाजी है। कांग्रेस जो है नीतियों की पार्टी नहीं है, कुछ परिवारों का संगठन है। देश के अंदर बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार हैं, और उनके चहेतों को लाभ देने के लिए ये राजनीति में आए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ अब प्रदेश के अध्यक्ष बनाने की बात आई तो सब अलग अलग ग्रुपों ने झगड़ा किया, तो चार उन्होंने वो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। अब जिलाध्यक्ष बनाने की बात हुई तो हर जगह झगड़े हुए, अब कहते हैं कि कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बना देंगे। फिर नीचे मंडल के कार्यकर्ता वो कहते हैं कि मंडल में भी छः छः चार चार आठ जितने परिवार होंगे उतने हर घर से एक कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, और अब ये कहते हैं कि इतने ही मुख्यमंत्री बना देंगे। हो सकता है कि इतने ही दावा करें कि हम मुख्यमंत्री बना देंगे, इनका मकसद जनहित से नहीं है। ये नहीं कहते कि हम किसान के लिए क्या करेंगे, व्यापारी के लिए क्या करेंगे, गरीब आदमी को क्या देंगे। ये कुर्सी हड़पने की नीयत लारे लप्पे दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इनको कोई मौका देने वाली है नहीं। हरियाणा की जनता जिस तरह से न्यायपीय तरीके से हर गरीब आदमी को घर बैठे उसका हक मिल रहा है, इससे बहुत प्रभावित है। अंत्योदय की योजना के तहत
अंत्योदय परिवार योजना, गरीब आदमियों के लिए काम करना, बगैर भ्रष्टाचार के भर्तियाँ, अपने आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन पेंशन बनना, गरीबों के कार्ड बनना, जो सारी तरह तरह की योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिल रहा है। और लोग इस कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर मुकाबला हमारा नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक तरह से कभी आंगनवाड़ी का आंदोलन, कभी आशा वर्कर का आंदोलन, कभी किसान के नाम पर संगठन बैठा करके इस तरह के छापामार युद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी सरकारों की नीतियाँ और हमारी सरकारों की नीतियाँ का कंपेरिजन करें तो वो कहीं नहीं टिकते। अब कांग्रेस को हरियाणा में नहीं मानते कि वो आपकी टक्कर कर सकते? देखिए, हम ये समझते हैं कि हरियाणा का मतदाता हमारा मालिक है, हम उनके सेवक हैं, और जब अच्छे सेवक मिल जाते हैं, अच्छे सेवक को कोई छोड़ना नहीं चाहता। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।